जी वो सासू माँ ने कहा था कि माँ ने कहा था ना तो और नहीं खिलाएगी। अरे क्या बात है कोमल, इतना स्वादिष्ट माखन तो ना मैंने जिंदगी में नहीं खाया। अरे दिल तो करता है कि ये माखन मेरे हाथों को ना चूम लूं। सच कहूं तेरे इस हाथों में ना जादू है। लकी जी आपके मुंह से अपना नाम सुनकर कितना अच्छा लग रहा है मैं बता भी नहीं सकती। मानना पड़ेगा तूने वो माखन खिला के ना लकी के सख्त दिल को ना पिघला दिया। अब ये दिल ना बस तिले धड़केगा। कोमल कल तक मेरा ये सपना भी सच हो जाएगा। भाभी मेरे को बहुत चिंता हो रही है। क्यों? यह घनी परेशान सी हो रही है, कहीं देवर ने तो ना छेड़ दिया था ना? क्या भाभी आप भी ना, मेरे को मक्खन की बहुत चिंता हो रही है। मैं यूं सोच रही हूँ कि मक्खन को आज रात अपने कमरे में रख लूं। भूख लगने तक पहले ही तू खाना चाह रही है जो अपने कमरे में तरवा रही है। यो बात ना से भाभी, आप तो जानते हो ना मैं यो कह रही हूँ कि हर साल भोग लगने से पहले मक्खन चोरी हो जाता है, और पिछले साल तो हमने ताला भी लगाया था फिर भी कोई फायदा ना हुआ। तो ये भी कह रहे मालती, ये वहाँ खड़े होकर हम पैरा देंगे। हाँ एक काम तो हो सके मालती कि तू हाथ में डंडा लेके मक्खन और मक्खन के चोरों की पहरेदारी कर, यो तो हो सके। माँ जी आप लोगों की सब बात मैंने सुन ली से। आप लोगों को मक्खन चोरी की चिंता हो रही है ना, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करो। मैंने पहरेदारी का सब उसे क्या कहते हैं अरेंजमेंट कर लिया है। आप लोगों को अपनी नींद खराब करने की कोई जरूरत ना से, और मक्खन चोरी की चिंता तो करो ही मत। भोग लगने से पहले एक उंगली मक्खन भी इधर से उधर ना होगा। ये मालती यो है बहू, बिल्कुल मेरे जैसी अलावत खानदान की, अब खुद ही सारी जिम्मेदारी ले रही है मेरी तरह ही। अरे मेरी बहू ना चोर का डर और ना किसी और का। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बेटा आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से। कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।